टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. अच्छा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है. इसके थ्रू हम मेजर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, ठीक है. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग आर डिग्री विच इज नोन एज सेल्सियस. केल्विन में भी होता है, फारेनहाइट में भी मेजर होता है टेम्परेचर, लेकिन जो है यूजुअली हम नॉर्मली कर रहे होते हैं वो सेल्सियस के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट देखें कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज होता है, इट इज केल्विन. तो सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर. नाउ द सेकेंड इज हीट. हीट क्या होती है? हीट एक्चुअली इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट अंटिल द टेम्परेचर कम सेम. हीट जो होती है हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लेके लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती रहती है अंटिल द टेम्परेचर बिकम सेम. जब तक टेम्परेचर जो है सेम नहीं हो जाता, हीट जो है वो कंटिन्यूसली जो है ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम हायर ऑब्जेक्ट टू लोअर ऑब्जेक्ट. मतलब हाई ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो और उस ऑब्जेक्ट तक जिसका टेम्परेचर कम हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं जब पानी ठंडा करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसको ठंडा करने के लिए बर्फ डालते हैं, आइस हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है. तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है. क्यों मेल्ट होती है? बिकॉज द हीट इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू आइस. हीट जो है वो वाटर से आइस पे ट्रांसफर होती चली जाती है और उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक के दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? Raise your hand. Very good. Okay. हीट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. व्हाट इज हीट? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है. हीट क्या होती है? हीट इज कोई एक अलग सी कोई चीज नहीं है, कोई अलग अजीबो गरीब किस्म की कोई चीज नहीं है. हीट जस्ट क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है. हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होती रहती है अंटिल द टेम्परेचर बिकम सेम. जब तक टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता तब तक जो है हीट कंटिन्यूसली जो है ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम हाईर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है. और हीट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं जूल्स और क्लो जूल्स. अगर आपसे पूछा जाए कि हीट कौन से यूनिट में मेजर होती है तो यू कैन से दैट हीट इज मेजर्ड इन यूनिट नोन एज जूल्स एंड क्लो जूल्स. अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? यू ऑलरेडी नो दैट ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑल द टाइम. The more energy the particles have, the more they have move. जितनी एनर्जी होगी किसी पार्टिकल्स के अंदर उतने ही वो तेजी के साथ मूव करेंगे. मैंने आपको अभी ये बात बताई कि if we heat any object, their particles start moving. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करना शुरू कर देते हैं इनके पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. बहुत तेजी के साथ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत तेजी के साथ हो रही होती है, ठीक है. अगर इसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हेन दे लॉस एनर्जी दे मूव लेस. जैसे जैसे वो एनर्जी इनकी कम होती चली जाएगी इनकी मूवमेंट जो है वो हल्की होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी, लेस होना शुरू हो जाएगी. दिस चेंज इज इन एनर्जी इज व्हाट हीट इज. ये जो चेंज आ रहा है, ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये कहलाया जाता है कि हीट होती क्या एक्चुअली, ठीक है. अभी मैंने आपको डेफिनेशन दोबारा से बता देती हूँ कि हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट अंटिल द टेम्परेचर बिकम सेम. ओके, क्लियर टू ऑल? Any problem?
As a solid cools, heat energy is removed. The particles will move more and more slowly until they stop moving altogether. अभी मैंने डिस्कस किया कि जैसे जैसे जो है कोई भी सॉलिड ठंडा होना शुरू हो जाता है, जब वो सॉलिड कूल होना शुरू हो जाता है, इसकी हीट एनर्जी जो है आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव होना शुरू हो जाती है, इसकी हीट एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्लो, उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है. द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग, वो टेम्परेचर जहाँ पे पार्टिकल्स जो है मूव करना कम्प्लीटली स्टॉप कर दे, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग, पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है. द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. वो टेम्परेचर जहां पे पार्टिकल्स जो है वो स्टॉप करें, अपनी मूवमेंट रोक दें, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो. और एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल हैज नो हीट एनर्जी. सो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिसमें मटेरियल के पास कोई हीट एनर्जी नहीं होती, और ये टेम्परेचर होता है -273 degrees Celsius. सो -273 degrees Celsius इज द टेम्परेचर वेयर no heat energy is present in any material. Okay, clear to all? Any problem? So in scientific work it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. This temperature scale is called the Kelvin scale. It starts at absolute zero and has degree which are the same size as the degree on the Celsius scale. Here you can see that page number 3 pe ek diagram bani hui hai. Main aap logon ko unmute kar rahi hu. I'm going to unmute you. Okay, again I am repeating the definitions. So what is temperature? Temperature is the measure of how hot or cold something is. It is measured in degrees Celsius. Temperature is measured with the help of equipment, with the help of device which is known as thermometer. Okay, now what is heat? Heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object until the temperature becomes same. It is measured in joules or kilojoules. Okay, clear? Any problem? As a solid cools, the heat energy is removed. The particles will move more and more slowly until they stop moving. The temperature at which the particles stop moving, this temperature is known as absolute zero. So absolute zero is the temperature at which the material has no heat energy. This temperature is -273 degrees Celsius. Any problem? Raise your hand. Okay. Who is going to read the paragraph? Heat is about moving particle. Main unmute kar rahi hu. Ishar, can you please read the paragraph? Heat is about moving particles.
Page number three, last paragraph. You don't have page number three. Okay. Alishba, can you please read the paragraph? It is about moving particle. Okay. Kindly unmute your mic and then start reading. Heat is about moving particles. You have learned that everything is made of particles called atoms and molecules. They are constantly on the move. The movement of particles is affected by temperature. The higher the temperature, the faster particles move. You this skip is two known lines. As kinetic. Uh-huh, you skip two lines. Miss, kahan se? Either vibrating or moving freely, it is the motion of particles that creates form of energy called heat. Now again, start from the beginning. Page number three, last paragraph, it is about moving particles. Okay. What about others? Okay, no issue. You have learned that everything is made up of particles called atoms and molecules. You have learned in your previous classes that each and every particles are made up of atoms or molecules. They are continuously on the move, either vibrating or moving freely. ये continuously move कर रहे होते हैं, चाहे ये vibrate कर रहे हों, चाहे ये freely move कर रहे हों. ठीक है? अगर ये motion में होते हैं, they can creates a form of energy which is known as heat. So the movement of particle is affected by temperature. The higher the temperature, the faster the particles move. This is known as kinetic theory. जितना temperature होगा उतने ही ज्यादा move करेंगे particles. ठीक है? This is known as kinetic energy. What is the issue? Ishal, what happened? Page number three, miss, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज नंबर नहीं है, डायरेक्ट 7 है. ओ ये कैसे पॉसिबल है भाई? सेकेंड हैंड बुक लिया आपने? ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे सुनो. नाउ व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स is affected by temperature. The higher the temperature, the faster the molecules move. ठीक है, जितना temperature होगा उतने ही ज्यादा move करेंगे particles. अभी मैंने बताया था कि जितना temperature हम raise करेंगे particles की movement जो है वो तेज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, जब particles की movement start हो जाएगी, this type of energy is known as kinetic energy. Yani moving energy is known as kinetic energy. When the temperature is higher, the faster the molecules move. This is known as kinetic energy, or you can say that kinetic theory. In kinetic theory, we can say that the higher the temperature, the faster the molecules, the faster the particles move. Ab main yahan pe aapko iski screen share karke dikha rahi hu. ओके, नजर आ रहा है? हियर यू कैन सी दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन सॉलिड दे डू नॉट कंटेन लॉट ऑफ हीट एनर्जी. व्हाई? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. आप यहाँ पे देखोगे इनके पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं. दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंटेन लॉट ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, ईच पार्टिकल्स वाइब्रेट्स अराउंड इट्स फिक्स्ड प्लेस्ड इन द फ्रेमवर्क. ठीक है, ये इनके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, इतना स्पेस ही नहीं होता कि इजिली मूव कर सके. सो द सॉलिड कंटेन्स
they do not contain a lot of heat energy because their particles are very closely packed together. In case of liquid, you can see that the particles are little bit far away. That's why they have more heat energy than solids. Particles are able to move around. Actually, they can roll over each other. ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, सो दे कैन रोल ओवर ईच अदर. जब ये एक दूसरे के साथ रोल हो रहे होते हैं तो हीट एनर्जी कैन इजिली बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, हीट एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में इजिली ट्रांसफर भी हो जाती है. दैट्स व्हाई दे हैव लॉट ऑफ हीट. इन गैसेस यू कैन सी दैट दे हैव मोस्ट मोर हीट एनर्जी. ठीक है, पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, दैट इज स्टीम्स. ठीक है, गैसेस में आप देखोगे पार्टिकल्स जो हैं दे कैन मूव मोर क्विकली बिकॉज दे व्हाट हैपेंड. दे हैव मूव very quickly because their particles are very far away. The heat energy can be easily transferred from one particle to another particle. Okay, clear? Any problem? Okay. I am asking you some questions. Okay, what is heat? What is heat?